दोस्तों अगर आप महेंद्र सिंह धोनी को बेहतर कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2022 बहुत ही शानदार तरीके से खेला जा रहा है और आईपीएल की शुरुआत में चेन्नई कप्तानी रविंद्र जडेजा को दे दी गई है, लेकिन रविंद्र जडेजा ने बीच आईपीएल में चेन्नई के बेकार प्रदर्शन करने के कारण कप्तानी छोड़ते हुए महेंद्र सिंह धोनी को दोबारा से कप्तानी दे दी है, जिसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने दोबारा से कप्तान बनने के बाद दो खिलाड़ियों की एंट्री अपनी टीम में कराई है, जिनके आने से चेन्नई की टीम की किस्मत बदल जाएगी। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं आखिर कौन है वो खिलाड़ी, लेकिन उससे पहले सुरेश रैना और मोइन अली में से कौन है बेहतरीन खिलाड़ी, अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान रविंद्र जडेजा ने शनिवार को अपना पद छोड़ दिया है, जिसमें टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक पहले कप्तानी छोड़ने वाले महेंद्र सिंह धोनी फिर से टीम की कमान संभालेंगे। तो वही जडेजा कप्तानी का दबाव नहीं झेल पाए और उन्होंने खेल पर ध्यान देने के लिए धोनी को फिर से कप्तानी सौंप दी है। तो वहीं चेन्नई की टीम मौजूद सीजन में अब तक सिर्फ दो मैचों में जीती है और टीम 8 मुकाबलों में 6 हार के साथ 9वें स्थान पर है। तो वहीं धोनी बतौर कप्तान रविवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ होने वाले मैच में उतरेंगे और उन्होंने आईपीएल शुरू होने से 2 दिन पहले कप्तानी से हटने का फैसला किया था। और धोनी आईपीएल इतिहास के दूसरे सफल कप्तान हैं और उनके नेतृत्व में सीएसके ने 2010, 2011, 2018 और 2021 में 4 बार खिताब जीता। धोनी की अगुवाई में चेन्नई ने 121 मैच जीते। तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने बयान में कहा, जडेजा ने खेल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कप्तानी से हटने का फैसला किया और उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी से फिर कप्तानी करने का अनुरोध किया और धोनी ने टीम के हित में इसे स्वीकार कर लिया। तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने दोबारा से कप्तान बनने के बाद दो खिलाड़ियों की एंट्री कराई है, जिसमें सैम करन को दीपक चहर के रिप्लेसमेंट के रूप में महेंद्र सिंह धोनी ने शामिल कराना चाह रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है। हालांकि इस पर फैसला होना बाकी है और दीपक चहर के रिप्लेसमेंट होना बाकी है और जहां तक सैम ही रिप्लेसमेंट के रूप में शामिल हो सकते हैं। तो वहीं दूसरे खिलाड़ी सुरेश रैना हैं, जो बेहतरीन गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी करना भी जानते हैं और अपनी कप्तानी का भी अनुभव इनको है और इनके आने से टीम को एक और कप्तान की भूमिका मिल जाएगी। दोस्तों चेन्नई की टीम की कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी को दोबारा से दी जानी चाहिए या नहीं, आए हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।